तो आइए अब हम देखते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजपूत होने के प्रमाण। पहला प्रमाण है पृथ्वीराज राजों के बृहत संस्करण के महोबा समय के छंद 49 और 50 से, जिसमें लिखा है उतय कनक चौहान रजपूत धायो बरमवीर उदल पे कूदी आयो कियो युद्ध चौहान रजपूत चायो, जिसका अर्थ है पृथ्वीराज चौहान के काका काना या कनक चौहान धावा बोलते हैं उदल पर जब चंदेल चौहानों के बीच युद्ध हो रहा था। और यहाँ उनके लिए पंक्ति प्रयुक्त होती है कि वह चौहान राजपूत चारों ओर से उदल से युद्ध कर रहा है। इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि चौहान वंश एक शुद्ध क्षत्रिय राजपूत वंश है। इसके बाद दूसरा प्रमाण है महोबा समय के छंद 36 से, जिसमें लिखा है चंदेल राय मानो अरज अरय सिरे सोर कीजिए राजपूत दूध हानिए नहीं जीव दान नृप दीजिए, जिसका अर्थ है जब चौहानों ने युद्ध रोकने के लिए चंदेल राजपूतों के पास अपना एक दूत भेजा तो चंदेल राजा परमार्दी देव के मंत्री कहते हैं कि हे राजा हमारी अरज को स्वीकार करो, यह राजपूत दूत है इसे मारो मत बल्कि एक जीव की तरह इसे जीवदान दीजिए। अब इस पंक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि चौहानों के यहाँ किस जाति का बताया गया है। फिर इसके बाद तीसरा प्रमाण है पृथ्वीराज रासों के लघु संस्करण के खंड 9 से, जिसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के सामंत भूपति चौहान जो संयोगता को बचाने के लिए कन्नौज में राजा जयचंद से युद्ध करते हैं उनके लिए यहाँ पंक्ति प्रयुक्त होती है सावत सूर हसी परस्पर कहिए भले राजपूत सौ हम सौ राजपूत सा सुंदरी एक, जिसका अर्थ है कि शत्रु सेना चाहे जितनी भी हो इस एक सुंदरी को बचाने के लिए हम सौ राजपूत ही काफ़ी हैं। अब इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि चौहान कौन थे। यही दोहा आपको पृथ्वीराज रासों के प्रत्येक संस्करण में देखने को मिलेगा जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा प्रमाण है 1176 ईस्वी का शांतिनाथ मंदिर का शिलालेख, जिसमें चौहान वंश के सिवाना के राजा लखनपाल व अभयपाल को यहाँ राजपुत्र कहा है। और इसमें यह बात स्वयं पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट की है कि यहाँ राजपूत के लिए राजपुत्र शब्द प्रयोग हुआ है, जिसे आप पेज नंबर 96 में देख सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवा प्रमाण है जो हर चीज़ एकदम स्पष्ट कर देता है, वो है 1140 ईस्वी का कडमाल ताम्रपत्र जो एफिग्राफी इंडिका के वॉल्यूम 30 पेज नंबर 248 पर है, जिसकी 39वीं व 40वीं पंक्ति में लिखा है तमेद मानम ना संस्था ईश परिकुल परिदिता गुहिल सुतेना नागपालेन इति दुदुख चहमान राजपुत्र सुगंधा सुतम रणधवल। यहाँ चित्तौड़ के गुहिल शासक रावल विजय सिंह गहलोत के संबंधी रणधवल चौहान जो सुगंधा के राजपुत्र थे उनको यहाँ पर राजपूत कहा है, वो भी वंश के साथ। अब इससे क्या स्पष्ट होता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर इसके बाद छठवां प्रमाण है पृथ्वीराज के पूर्वज राजा विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक शिलालेख 1163 ईस्वी, जिसमें लिखा है गौड़ा यकायस्त महावया पुत्र श्रीपतना अत्र समय महामंत्री राजपुत्र श्री संलक्षण पाल। यहाँ अजमेर राज्य के महामंत्री संलक्षण पाल चौहान को राजपूत कहा है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को महामंत्री कहने के बावजूद राजपुत्र कहा है जो समाज के किसी एक विशेष वर्ग या जाति के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। फिर इसके बाद सातवां प्रमाण है 1182 ईस्वी का जालौर शिलालेख जो एफिग्राफी इंड का वॉल्यूम 11 पेज नंबर 53 और 54 पर है, जिसमें लिखा है रत्य तिकरे राज्य चिंद के जोजल राजपुत्रे इत्येव काले प्रवत माने यन्मातुला संभवन किल जोजलाद्रो। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक जालौर के राजा समर सिंह चौहान के मामा जोजल देव को राज चिंतक कहने के बावजूद राजपुत्र कहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जबकि राजपुत्र संस्कृत भाषा का। फिर इसके बाद आठवां प्रमाण है पृथ्वीराज के दरबारी कवि जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजया से, पृथ्वीराज विजया के नवम सर्ग के 201 पृष्ठ संख्या पर श्लोक संख्या 51 के संस्कृत सारांश में लिखा है सोम उमा सहित ईश्वरो सोमेश्वरो राजा चा तद्भवो अर्गड़ोस कुमार्यो राजपुत्रो अश्वेष सीतियो ज्येष्ठ माग्यो मध्य विंगाजले योरिव जन्म पाव नवभूत, जिसका अर्थ है कि ज्येष्ठ माघ के मध्य में सोमवार को ईश्वर की कृपा से अद्भुत कुमार सोमेश्वर राजपुत्र का जन्म हुआ है। अब यहाँ कुमार शब्द पहले राजकुमार के अर्थ में प्रयुक्त हो चुका है लेकिन फिर भी उसके बाद राजपुत्र शब्द आया है जिसका अर्थ एक वर्ग और जाति के रूप में हुआ है और राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। इसके नीचे वाले सारांश 52 में राजा सोमेश्वर को जन्म से यशस्वी राजपुत्र बताया है।
अतः प्रमाणों से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत क्षत्रिय समाज से थे, और यहाँ राजपूत शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जबकि राजपुत्र शब्द संस्कृत भाषा का। लेकिन कुछ अधजल गगरियों और फर्जी महासभा को संस्कृत व हिंदी का अर्थ पता नहीं है, बस शब्द हिंदी भाषा की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में हुई है। यह बात सर्वविदित है, जिसे आधार बनाकर यह कहते हैं कि राजपूत 13वीं शताब्दी में आए थे, जैसे मंगल ग्रह से कोई एलियन पृथ्वी पर आया हो। इन जाहिलों को ये तक नहीं पता कि 7वीं सदी में यहाँ चित्तौड़ के राजपूत राजा बप्पा रावल यहाँ शासन कर रहे थे, और बाकी राजपूत वंशों के राजा 5वीं शताब्दी से ही भारत में अस्तित्व में थे। फिर इन भैंस चोरों ने यह फर्जी थ्योरी किस गोबर खाने से बना ली, जो ये दावा करते हैं कि राजपूत और राजपुत्र शब्द अलग है। तो ये प्रमाण है 11वीं शताब्दी के कल्लड़ की राज तरंगणी से, जिसकी 7वीं तरंग के श्लोक 617 में लिखा है, प्रख्या पयंता सम्भूर्ति षष्ठ त्रिसंति कुलेशु ये तेजस्विनो भास्वितोपी सहंते नौचकहा स्थितम तेपयंते अनंत पालाज्ञा राजपुत्रा अस्त आत्मजना, जिसका अर्थ है कि इस धरा पर राजपुत्रों के ऐसे 36 वंश स्थित हैं कि इनका तेज इतना है कि ये अपने सामने बैठने वाले सूर को भी आसन ना दे। यह षष्ठ त्रिसंति कुलेशु का हिंदी में अर्थ 36 होता है। और अब ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान दे रहे थे कि राजपुत्र केवल राजकुमार होता है या कोई जाति नहीं, तो फिर ये 1000 साल पुराने संस्कृत के ग्रंथ क्या बता रहे हैं। यहाँ तो स्पष्ट है कि 36 वंश किसी वर्ग या जाति के होंगे, ना कि किसी राजकुमार के या एक व्यक्ति के। अब ये बात यहाँ पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि राजपुत्र और राजपूत शब्द दोनों एक ही शब्द हैं।